तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दीज डार्क लाइंस अकर। तो सबसे पहले वही जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, कार्बोजन सॉरी जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है उसमें एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा हॉट गैसेस का होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसका होता है, कोल्ड गैसेस में से जब पास आउट किया जाता है तो सर्टन वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड जो है मतलब बैकग्राउंड में हमें ब्लैक लाइंस नजर आती हैं। सो कंसिडरिंग दैट हमने उसी की बेसिस पे इसको आंसर करना था कि फोटोन एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स। सो फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। सो इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट्स एमिटिंग फोटॉन्स ऑफ द सेम एनर्जी इन एनी डायरेक्शन। इधर यू कैन राइट दैट और द सेक्शन दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू कैन एक्सप्लेन व्हाई दीज डार्क लाइंस अकर। सो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम आउट ऑफ व्हाइट लाइट सर्टन वेवलेंथ हैज बीन अब्सॉर्ब बाय द कोल्ड गैसेस, जिसकी वजह से वहां पे वही इट अपियर्स डार्क लाइंस, जिसको मतलब कैन जस्टिफाई ऑन दैट बेसिस एज वेल। सेकेंड पार्ट था उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला हुआ था, वी नो दैट के इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा होता है। आई एम कीपिंग दिस हियर सो दैट हम इजिली उसको कवर अप कर सकें। सो ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, एच इज कॉन्स्टेंट, सी की वैल्यू भी हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है, लैम्डा उसने हमें दिया हुआ था, हमने पुट करके अपना आंसर निकाल लेना था एनर्जी का, एंड इट विल कम आउट टू बी 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय डिवाइडिंग द आंसर ऑब्वियसली विद 1.6 इन टेंस पर माइनस 9, कॉज वेन एवर वी हैव टू गो टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी हैव टू डिवाइड आवर आंसर ऑफ एनर्जी विद 1.6 इन टेंस पर माइनस 19, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने को बोला था। सो हमने उसको नोट डाउन करा दिया यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड उसने बोला था इन फिगर 8.2 ड्रॉ एन एरो टू इंडिकेट द एनर्जी चेंज दैट गिव्स राइज टू दिस डार्क लाइंस। तो डार्क लाइंस में हम लोग क्या कर देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और एरो हेड हम कहाँ बना देंगे, एनर्जी की वैल्यू मेरे पास क्या निकले है 2.86, फिर 1.5, तो यहाँ से कहाँ की तरफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, कहाँ गया हम ऑप्शन पॉइंट एट एनर्जी, फाइव सेवन वो आपने ड्रॉ कर लिया था इसमें कि नहीं? कर लिया था। और रीजन पता नहीं कि हमने यहाँ से यहाँ क्यों एरो हेड ड्रॉ किया, कॉज एनर्जी डिफरेंस इन्हीं दो लेवल्स का जो था वो इस जो 2.86 आया वो इन्हीं टू एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस निकालेंगे तो 2.86 आएगा, दैट्स व्हाई वी डू दैट। देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी द एमिशन स्पेक्ट्रा, उसमें एमिशन स्पेक्ट्रा कंसिडर नंबर ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन दिस स्पेक्ट्रा। हाँ जी अली, व्हाट वाज योर आंसर टू दिस पार्ट? जी सर, एक मिनट। बिकॉज ईच एलिमेंट प्रोड्यूसेस अ यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड ओके ईच लाइन शोज अ स्पेसिफिक फोटॉन एनर्जी एंड बिकॉज दीज यस एनर्जीज आर डिस्क्रीट। यस मेजरली ये डिस्क्रीट एनर्जीज होते हैं और ईच एनर्जी लेवल एमिट्स अ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट्स व्हाट। सो ईच एमिटेड वेवलेंथ कोरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक फोटोन एनर्जी, सो द फोटोन इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स एनर्जी लेवल दैट इज फ्रॉम हायर टू लो। फोटोन की जो एमिशन होती है ना उसी की वेवलेंथ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो जब वो फोटोन एमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो सर्टेन वेवलेंथ ऑफ एनर्जी का जो सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड होती है तो उसकी बेसिस पे ये आएगा। देन उसने क्या हमें बोला है, फिगर 7.1 ड्रॉ एंड मार्क विद लेटर एल द ट्रांजिशन गिविंग टू अ वेवलेंथ ऑफ 4 इंच पर माइनस 6। तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस हम लोग देखेंगे किस एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो आई गेस ये शॉर्टेस्ट एनर्जी
डिफरेंस हमारे पास इसी दो पॉइंट्स का बनेगा, तो हम लोग वही लगा देंगे। यहां से यहाँ की तरफ जो है वो लेवल एल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका एनर्जी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है ना कि ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो लेमडा और इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, तो 1 ओवर लेमडा इसको करके भी हम लोग वहां से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो अगर एनर्जी डिफरेंस, यहां से हमारे पास ये भी माइंड में आता है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन आउट की हुई है x10 to the power 6, तो वेवलेंथ जितना कम एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ही बिगर हमारे पास वेवलेंथ आएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसने बोला है मार्क विद डायरेक्टली ट्रांजिशन गिविंग टू राइज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब वो बिगेस्ट से मतलब आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, देन उसने हमें क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी दैट हैज टू बी एसोसिएटेड विद दैट, बस बोल चल ये रहा हमारे पास। अगेन ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे, आई थिंक सो आई शुड गो अप क्योंकि वहां से एनर्जीज हमने करना है। उसने कहा है कि पार्ट टू का एनर्जी डिफरेंस यूज करना है हम लोगों ने, तो लेट मी गो इसी पॉइंट पे आ जाते हैं ताकि यहां से हम लोग डेटा ले सकें। सो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस कितना है, 3.4 - 0.54 इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा हमने कैलकुलेट करना था, रीअरेंज करेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास, इसके साथ हम लोग पार्ट ऑब्वियसली 1.6 इंटरेंस पे -19 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल्स में जाने के लिए हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेमडा वुड बी इक्वल टू, देखो क्या इसका वैल्यू का क्या फैक्टर बना था, 10 to the power 80 इसका फैक्टर आ गया, एंड ये वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 3.4 - 0.54 इंटू 1.6 इंटरेंस पर -19, तो पुटिंग इन द कैलकुलेटर आई एम गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 4.35 इंटरेंस पर -7 मीटर, यही आंसर है। सर, ये क्वेश्चन 1 है। टू मेरा वेवलेंथ कुछ और है, आपने आपने ये स्टेप्स ईवी फॉलो अप से किए वन हैं पॉइंट सिक्स टाइम्स अच्छा मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई नहीं किया। बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वापस जाओ उसमें भी तो जाना है ना उसकी एनर्जी को। अली आपका क्या आंसर आया है, यही आया है कि आपने भी 1.6 से मल्टीप्लाई नहीं किया। जी आपकी नहीं किया, बात नहीं आ रही, आपने क्या कहा है? मैंने कहा आपने 1.6 से मल्टीप्लाई किया या आपने भी नहीं किया। नहीं किया मैंने, मेरा आ गया था 4.35 जो 10 to the power 7। ओके नेक्स्ट पार्ट है, उसने हमें बोला था नेक्स्ट पार्ट में के फोटोन एनर्जी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम वेरी बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.18, डिटरमाइन द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटॉन्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिशन बिटवीन द लेवल्स शोज इन 7.1। तो हम यहाँ से यहाँ की ट्रांजिशन देख लेंगे, यहाँ से यहाँ की ट्रांजिशन देख लेंगे, एंड यहाँ से यहाँ की ट्रांजिशन देख लेंगे, तो जो उनकी रिस्पेक्टिव एनर्जीज आएंगी उनके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि क्या है। तो रिस्पेक्टिवली इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट वुड बी -0.54 माइनस इनटू -3.4, दिस विल गिव यू 1.9, इसका क्या आंसर है, 1.9 आएगा क्या आएगा, बल्कि नहीं 2 point something आएगा, 2.86 2.86।
सिमिलरली इनका भी एनर्जी डिफरेंस निकालोगे, -0.85 -into -3.4, इसका फिर उससे थोड़ा लेस आ जाएगा, 2.55 आ रहा है इसका आई गेस, एंड लास्ट इज -1.5 -into -3.4, तो इसका आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन सी पार्ट हो गया, फोटोन एनर्जीज निकल आए, व्हाट इज मेंट बाय फोटोन, फोटोन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इक्वल्स टू एच एफ का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो हम उसको जस्टिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। एंड एमिशन स्पेक्ट्रम इज सीन एज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट कलर लाइंस ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाट हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या नाम है, अरहम, बी ना द यस बी, इलेक्ट्रॉन्स कैन एमिट फोटॉन्स विद सर्टेन एनर्जी ओनली, सो द इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। अली, वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? Yeah, the energy levels are discrete because of the specific photon energies. वाला 3 मार्क्स वाला, डू यू थिंक यू विल गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ इट? सर 2 मार्क्स वही में सेम है पिछले की तरह, बिकॉज ईच एलिमेंट हाँ, प्रोड्यूसेस उसमें ओनली एक सेट ऑफ, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करना है ना, कि वो एब्जॉर्ब हो गया है उसके अंदर, उसकी बेसिस पे विल आंसर दैट। तो अगर हमें एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स को कवर अप करना है, तो हम जो है प्रॉपरली उसको इसी तरीके से बताएंगे कि ईच कलर लाइन कोरस्पॉन्ड टू अ सर्टन वेवलेंथ एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एच एफ इम्प्लाइज दैट स्पेसिफिक एनर्जी चेंजेस बिटवीन एनर्जी लेवल, सो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। एनी हाउ अगर इफ आई रेफर टू द मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया नहीं हुआ जैसे उसको जस्टिफाई करना चाहिए ब्लैक बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट से, लेकिन एनी हाउ इट्स गुड कि हम उनको वो पॉइंट मेंशन आउट करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बेसिस के ऊपर जो है वो आर गेटिंग डार्क लाइंस, बिकॉज जब वो उससे पास आउट होती है क्या कहते हैं उससे, व्हाइट लाइट जब कोल्ड गैस से पास आउट होती है, सो इट रिस्पॉन्ड्स लाइक दैट, तो उसकी बेसिस पे हमारा ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो जस्टिफिकेशन बनती है उसमें। ओके लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ अ लाइन स्पेक्ट्रम हाउ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट, इसका भी उसी बेसिस पे होगा, बस ये हॉट गैसेस के रिस्पेक्ट से हम इसको आंसर करेंगे, एंड वही बात होगी कि ईच जो है लाइन कोरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक फोटोन एनर्जी, एंड फोटोन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स एनर्जी लेवल, एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, सो हमें एक सर्टन स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो अब्जर्व होती हैं। देन उसने हमें बी पार्ट के अंदर बोला द फोटोन एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस इज, हाँ जी कैसे सॉल्व किया ली आपने, बल्कि नहीं आराम, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? The table या फोर four टेन उन्होंने वो point दिया, zero nine that means सॉरी 4.09 वो फॉर्मूला यूज किया हुआ आपका आंसर क्या है? 4.09 N2 × 10⁻¹⁹ जॉल, HC वो लैम्डा का फॉर्मूला यूज करके हमने निकालना था। फिर उसने कहा एनर्जी लेवल ऑफ दिस वर यूज डेटा फ्रॉम 1 to show on figure 7 द ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दिस 4 स्पेक्ट्रल लाइंस, तो वो हम ऑब्वियसली उनकी ट्रांजिशन कर देंगे, एक हम यहाँ से कर देंगे, बल्कि सॉरी इट विल गो द अदर वे, ऑफ ये डिलीट ही नहीं हो रहा, एक हमारे पास आ जाएगा यहां से यहां, एक हमारे पास आ जाएगा यहां से यहां,
एक यहाँ से यहाँ, फिर 0.87 से यहाँ पे, एंड लास्टली यहाँ से यहाँ पे, फोर स्पेक्ट्रल लाइंस जो उन्होंने यहाँ पे शो की हैं उनकी वेवलेंथ हमारे पास इन्हीं की रिस्पेक्ट से ये सारी आएंगी। अगेन एच सी वर्ल्ड लैम्डा के हिसाब से इन्हें क्वेश्चन ने बनना था हमारे पास। एंड देन थ्री पीसेस ऑफ एविडेंस दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज अ पर्टिक, ये वैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पहले आई थिंक सो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कौन कौन सी टैबलेट सी के आपको याद है कि नहीं है? Kinetic energy is directly proportional to frequency. Yes. It doesn't depend on intensity. Intensity only decide. Intensity क्या decide करती है? भूल गया, Emitted करंट electrons करंट। अच्छा current को decide करती है. Yes. And एंड किनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। और सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ही हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, रेट ऑफ एमिशन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। सो ये फोर पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ स्पेक्ट्रल, हाउ द लाइन्स एंड द एमिशन स्पेक्ट्रम, कैसे लो प्रेशर प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर डिस्क्रीट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है के पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं उसके अंदर हमारे पास, एंड डिस्क्रीट वेवलेंथ्स मीन फोटॉन्स हैव पर्टिकुलर एनर्जीज हमारे पास। सी पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है कि हमें उसका वो ड्रॉ करना है, लेवल ऑफ जो है वो मोशन ऑफ द पार्टिकल अगेन हमने वहां पे ड्रॉ करना है। तो हाँ जी, एनी डिफरेंट होगा या एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं? किस किस के रिस्पेक्ट से बोला उसने? 486, 456 एंड 1880 न्यूटन मीटर। तो 1880 का तो आई गेस ये आ जाएगा, एंड 656 का फिर ये आएगा, एंड 486 का यहाँ से आएगा। और हमने ये डिटरमाइन अगेन उसी बेसिस पे किया कि हम लोगों ने के ई इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, सॉरी ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। Because, अगर हम E इज इक्वल टू निकालेंगे तो कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट ओवर लैम्डा। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या था? एच सी, उसी की बेसिस पर हमने इसको डिस्कस किया। कैलकुलेट द मैक्सिमम एनर्जी, तो वो 486 के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। लेट मी राइट हियर एज वेल कि ये 486 इसका आएगा, 656 इसका आएगा, एंड 1880 इसका आएगा। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे, 6.63 इंटू 10⁻³⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा व्हिच इज 486 इंटू 10⁻⁹। क्या आंसर आया ली इसका? थ्री 4.09 इंटू 10⁻¹⁹। जाउल्स, अगर उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला होता तो उसको डिवाइडेड बाय 1.6 भी कर लेते। ओके दैट्स इट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।